हेलो बच्चों, वेलकम इन राइट डायरेक्शन। यू आर इन राइट डायरेक्शन। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन 2D। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्षेत्रमिति द्विविमीय। मेंस्ट्रुएशन 2D को लेकर बहुत लोगों को डाउट होता है, इस पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी क्षेत्रफल की बात करेंगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया, दिस द क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन 2D, जिसमें टू डायमेंशनल फिगर है। अब वैसे तो मेंस्ट्रुएशन 3D भी होता है, जिसमें एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की भी बात करते हैं। तो वैसे मेंस्ट्रुएशन 2D बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तो इसमें जनरली अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें बच्चों इंक्लूड होता है एक तो ट्राइंगल के वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है सर्किल, वृत्त के क्वेश्चन। इसमें इंक्लूड होते हैं क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज के क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटर या चतुर्भुज के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वाड्रिलेटर आपको पता है, इसमें पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है, रेक्टेंगल आयत होता है, स्क्वायर वर्ग होता है, रोम्बस सम चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज होता है, सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कितना वास्ट टॉपिक है ना। इसके अलावा हम मेंस्ट्रुएशन, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबको मिलाकर क्वेश्चन पूछाते हैं। तो हम इसमें पॉलीगन को भी कह देते हैं, पॉलीगन भी इसमें आ जाएगा, पॉलीगन या फिर बहुभुज भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि पॉलीगन के एरिया की जब भी बात करेंगे, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मेंस्ट्रुएशन 2D। और एक क्वेश्चन में सब एक साथ है ना। अब सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसमें सेक्टर भी आ जाएगा, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। इसमें सेगमेंट भी आ जाएगा, मतलब वृत्तखंड, सब आ जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन 2D बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो मैं एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और इसमें बहुत सारी क्लासेस लगेगी, पर डरना नहीं, थोड़ा थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इसलिए श्रीगणेश किया, मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब भी इंटरेस्टेड हो मेंस्ट्रुएशन 2D में, तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मेंस्ट्रुएशन 2D। मेंस्ट्रुएशन 2D में मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ट्राइंगल से, त्रिभुज के वो प्रश्न जो मेंस्ट्रुएशन 2D में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखें ट्राइंगल या फिर त्रिभुज, और इसको हम कह देंगे टाइट नंबर वन। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं टाइट नंबर 1। ट्राइंगल या त्रिभुज के जो क्वेश्चंस होते हैं इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको पहले मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ा दूंगा, जैसे ट्राइंगल मैंने पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद अपन इसका एक चार्ट बनाएंगे, और वो चार्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, अपनी हैंडराइटिंग का बना हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट होगा। अच्छा, वो जो चार्ट होगा मेंस्ट्रुएशन 2D का, वो बाकी चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी होगा। ठीक है, तो चलो ट्राइंगल की बात करते हैं, और ट्राइंगल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अब क्या मैं ये मान के चलूँ कि आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूले पता है, तो ऐसे करते हैं पहले फॉर्मूलेज दिखा देते हैं आपको, है ना। पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। जब हम मेंस्ट्रुएशन 2D की बात करते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन 2D की बात करते हैं, तो इट मीन्स एरिया। मेंस्ट्रुएशन 2D मतलब एरिया। अब ट्राइंगल का क्या क्या एरिया हो सकता है ना, ट्राइंगल का एरिया के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूले पे वर्क करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का पहला बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला की बात करें, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हिंदी में आधार इंटू ऊंचाई। ये तो बच्चों वाला है, ये सबको पता है। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला कि जब हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ्स, तो पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है 1/2 बेस इंटू हाइट, दिखने थोड़ा सिंपल है, बट एक फंडा अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बच्चों अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूँ, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा एक ट्राइंगल बना दूँ, ये ट्राइंगल है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं A, B और C, ये ट्राइंगल हुआ ABC। अच्छा, अब इस ट्राइंगल ABC में मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आपको पता है जब अगर मैं इस ट्राइंगल में नीचे वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार, बेस, ये था छोटी क्लास में, 8th क्लास 9th क्लास 7th क्लास में, अगर इस ट्राइंगल का कोई बेस पूछे तो आप बोलोगे BNC। बट अब हम बड़ी क्लास, ठीक है, अच्छा छोटी क्लास में जब इसको आधार बोलते थे तो ऊंचाई क्या होती थी, यहाँ से डाला गया इस पर लंब, इसको कहते थे ऊंचाई।
पर अब आप हो बड़ी क्लास में। अब बड़ी क्लास में क्या होता है, इस ट्राइंगल को पकड़ के मैं ऐसे पूरा घुमा कर ए बी को नीचे भी ला सकता हूँ। सो अब आपको ध्यान रखना है कि अब आप जब बड़ी क्लास में हो तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस ट्राइंगल में अगर मैंने ए बी को आधार मान लिया तो यहां से डाला गया परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, कि इसकी हाइट, इसको हम बोलेंगे एच टू। ओके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर इसमें हमने ए सी को बेस मान लिया तो यहां से डाला गया परपेंडिकुलर बच्चों क्या कहलाएगा, इसकी हाइट एच थ्री। तो डिपेंड करता है कि आप किसको आधार मान रहे हो। अगर आप इसको आधार मानते हो तो ऊंचाई होगी, अगर आप इसको उधार मानते तो ऊंचाई ये होगी, अगर आप इसको उधार मानते तो ऊंचाई आती है। तो कैन आई से दैट ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ये तीन तरह से लिख सकता हूँ, है ना। गिवन ट्राइंगल में अगर कोई मुझे एरिया की बात करें तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला इन द थ्री वे। कैसे लिख सकता हूँ, वन बाई टू, बेस बेस कितना है, अगर मैं बी सी को आधार लूंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इन टू एच वन, है ना। आज हम थोड़ा फॉर्मूले पे वर्क करते हैं ना। अगर मैं ए बी को आधार मानूंगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, एच टू सर। वाओ, अगर मेरा बच्चा हम ए सी को आधार मानेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, एच थ्री। देखो आपको पता है कि मेरा जो फंडा है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सब कुछ जान लो, देखते कहाँ से आता है, ठीक है। तो मैं आपको जो मेंसुरेशन 2D पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा तैयार करूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे टी ए वन का हो, टी ए टू का हो, सी डी एस का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप उसका क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये पहला फॉर्मूला आपको जानना है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कब निकालते हैं अगर उसका आधार ऊंचाई दे रखा हो, और डिपेंड करता है कि ऊंचाई कौन सी है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई एम राइटिंग द सेकंड फॉर्मूला। ट्राइंगल का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। अच्छा, हो सकता है कि किसी ट्राइंगल में ऊंचाई नहीं दे रखी हो और दो साइड दे रखी हो और बीच का एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि दो भुजाएं एवं उनके मध्य कोण ज्ञात हो, कोण ज्ञात हो, ठीक है। ओके, इफ टू साइड एंड इंक्लूड एंगल, इंक्लूड एंगल आर गिवन, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको टू साइड्स पता हो, उसके बीच का एंगल पता हो, तब कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, ओके, आई एम राइटिंग, आई एम मेकिंग द वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपके लिए और बना लेते हैं। चलो एक ट्राइंगल मैं और बना देता हूँ, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपको ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है, और उसके बीच का एंगल आपको दे रखा है, चलो मान लेते हैं इस एंगल को कैपिटल बी बोल देंगे ना, ये एंगल को हम बोल देंगे कैपिटल बी, ठीक है। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में अगर बच्चों मुझे यहाँ से डाला गया ये परपेंडिकुलर नहीं पता, जिसको मैं बोलता हूँ एच, और ये एंगल पता है जैसे, वैसे इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखना चाहूँ ना, ये एरिया लिखना चाहूँ मैं एरिया, तो होगा वन बाई टू बेस बी सी इंटू एच, होगा नहीं होगा, होगा। अभी अभी देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं बिल्कुल बेसिक। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन बी कर दें बच्चा, साइन बी। आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है एच और कर्ण कितना है ए बी। सो कैन आई से दैट इट इज द एच अपॉन ए बी, कह सकता हूँ बच्चों, इसको क्रॉस गुणा करो तो क्या आप कह सकते हो एच इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन बी। अच्छा, मैं ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ आपको, ठीक है थोड़ा सा, तो इसलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में जरूर लिख देना। मेरा टारगेट है कि आप कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D का नहीं छोड़े। तो ये फॉर्मूला हो गया, ओके। तो 1 बाई टू बी सी इंटू ए बी इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि मैंने ये कैपिटल ए के सामने साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने साइड को बोलते हैं स्मॉल सी, ये आपको पता नहीं पता है। तो ये जो आपका मैंने फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, मतलब ये ए बी लिखने पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इवन यहाँ पर ऐसे लिखने पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सो अगेन आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला इन गुड मैनर। इस फॉर्मूले को देखो, वन बाई टू ए इंटू एच इसका फॉर्मूला होगा, और यहाँ से
एच अपॉन सी इसका साइन भी होगा, तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो गया, सी साइन भी। सो आपके पास जो फॉर्मूला हो गया, देखो क्या हो गया, सुनो ध्यान से सुनना, इस पे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। 1/2 ए सी साइन बी, ये इसका फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया, या फिर 1/2 ए बी साइन सी, या फिर 1/2 बी सी साइन ए। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको मेरे बच्चे को है ना ये दे रखा हो आपको, तो इस तरह आपको करना है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। बताओ ट्राइंगल के दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ट्राइंगल के फॉर्मूले, जब बेस और हाइट पता हो तो वो लगा देना है, अगर दो भुजाएं उसके बीच का कोण बताओ तो ये बता देना है। मुझे बताओ प्लीज, इस दैट एनी डाउट। सो अब इस जो सेकंड फॉर्मूला है, इसकी बड़े गजब की प्रॉपर्टी आती है। सेकंड फॉर्मूले की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी आती है, अब आप देखेंगे है ना। जैसे मैं यहां से एक, चलो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, अच्छा अब आप देखो मैं इसकी क्या एप्लीकेशन बता रहा हूं। जैसे ये ट्राइंगल है आपका है ना, बहुत ही जबरदस्त ट्राइंगल है, इसके नाम लिख देते हैं अपन है ना, इसमें अपन नाम लिख देते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है बच्चों, अगर इस ट्राइंगल में मैं कोई भी एक लाइन खींच दूं ऐसे करके, ऐसे ए बी सी, और ये लिख देता हूँ डी, और मैं लिख देता हूँ ई। देख ध्यान देना प्लीज, तो एक बहुत ही गजब की एप्लीकेशन इसमें क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल की बात करूँ, जैसे ये वाला ट्राइंगल है ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल है आपका, ये वाला ट्राइंगल है एक, तो ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। अच्छा ये लाइन कोई समांतर वमांतर नहीं है, सिंपल ऐसे, ओके। सो इफ आई राइट है ना, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ट्राइंगल में ये लिखूं कि बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले तो बड़ा ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, और मैं लिखना चाहता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ए बी और ए सी और बीच वाले एंगल के रूप में, बीच वाले एंगल के रूप में, तो आप लिख सकते हो कि सर इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 ए बी। अब ध्यान देना है ना, ए बी इंटू ए सी, और बीच वाला एंगल कितना है बच्चों, साइन है, होगा नहीं होगा, वाओ। अच्छा अगर मैं एक छोटे ट्राइंगल का एरिया की बात करूं, जिसका नाम है ट्राइंगल ए डी ई, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चा 1/2। अच्छा इसकी साइड क्या है, ए डी इंटू ए ई, और बीच वाला एंगल साइन है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, उसकी दो भुजाएं पता हो, उसके बीच का एंगल, तो उसका एरिया होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा और बीच वाले एंगल का साइन थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला तो बेसिक फॉर्मूला तो सबको आ गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब भी ट्राइंगल की दो भुजाएं उसके बीच का कोण दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला। सो अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको भी डिवाइड कर दूं है ना, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। सो अब से हमें याद करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई दो ट्राइंगल का एरिया निकालना हो जिसका इंक्लूड एंगल सेम हो, देखो दोनों का ट्राइंगल ए बी सी इसके बीच का एंगल ये ले लिया, और ट्राइंगल ए डी ई इसका बीच का एंगल ये ले लिया, तो इस पर बड़ा डरावना क्वेश्चन आया आपके, मैं बताऊंगा कैसे। तो इसमें हम सिंपल सिंपल ले सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आप सीधा बोलना कि सर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया चाहिए, तो ए बी इंटू ए सी होगा डिवाइडेड बाय, इसका एरिया चाहिए सर, तो ए डी इंटू ए ई होगा, बहुत ही सिंपल। सो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक है ना, आप इसको याद करना, इसको मैं यूज में लूंगा, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके टीयर टू में भी, वहां पे यूज मिलेंगे। तो अब से मेरे बच्चा ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल जिसका इंक्लूड एंगल सेम हो उसका एरिया का रेशियो निकालना है, तो उसकी दोनों साइड का प्रोडक्ट कर दो, बस वही एरिया का रेशियो है। वाओ आ गया बच्चों को, वाओ नाइस वन, कर लोगे ठीक है। हाँ जी मैं आपको है ना इसका बोर्ड वर्क पूरा दे दूंगा, इसलिए आप लिखने में ध्यान नहीं दो, समझने में ध्यान दो,
ओके अच्छा, इसका तीसरा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, एरिया निकालने का तीसरा फॉर्मूला, जो आप लगभग सब बच्चे को पता है। एरिया निकालने का थर्ड फॉर्मूला क्या है? इफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, यदि अभी हम तैयारी कर रहे हैं मैंसुरेशन 2D की, यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हो, वेरी गुड, यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हो, उस केस में हीरोस फॉर्मूला और क्या, एवरीबडी नो है ना, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चा? हीरोस फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला, बस हीरोस फॉर्मूले में क्या, अच्छा आपको बताया ना साइड की जब भी बात करता हूँ तो स्मॉल लेटर लिखते हैं, तो हीरोस फॉर्मूले में एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ऐसे ट्राइंगल बना दूंगा, मतलब समझ जाना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ठीक है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एवरीबडी नो, ठीक है। और आप सबको पता है कि यहाँ पर एस क्या होता है? सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरी मीटर, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, किसको बोलते हैं जो एस को, और ये होता है तीनों साइड का सम को क्या बोलते हैं? पैरीमीटर, उसका आधा, बस। सो अभी मैं इसकी एप्लीकेशन नहीं बता रहा, एप्लीकेशन तो बाद में बताऊंगा। तो ये हीरोस फॉर्मूला हो गया, इट्स गुड वन। अच्छा एक और ध्यान रखना कि हीरोस फॉर्मूला तीनों साइड्स के लिए होता है, तीनों मीडियन पता हो तब भी हीरोस फॉर्मूला होता है, उसमें सिर्फ यहाँ पे 4/3 आ जाता है। मैं लिख दूँ क्या आप लोगों के लिए? चलो इसको भी अपन नोट्स में लिख देते हैं, वैसे मैं आपको दे दूंगा ये सब, इसको हम नोट्स में लिख देते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, आपको समझ में आ ही गया। सो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको ऊपर सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, और चौथा फॉर्मूला अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ फॉर्मूला, इफ ऑल, अच्छा ये सब समझाऊंगा, मीडियंस आर गिवन, यदि सभी माध्यिकाएं ज्ञात हो, माध्यिकाएं ज्ञात हो, वाओ, अगर सभी माध्यिकाएं ज्ञात हो तब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अगेन हीरोस फॉर्मूला, फोर मीडियन माध्यिका के लिए हीरोस फॉर्मूला, वाओ। अच्छा हीरोस फॉर्मूला फॉर मीडियन में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर बस 4/3 आ जाएगा बच्चा, बाकी वही है। अब यहाँ पे एस की जगह एस एम कर देता हूँ, मैंने अपने ऐसे नोटिफिकेशन लिया है कि भाई एस एम से, ओके अब यहाँ मीडियन दे रखा होगा, तो पहले मीडियन एम ए दे रखा है, दूसरी मीडियन एम बी दे रखा है। अच्छा आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ट्राइंगल, तभी जाके मैंसुरेशन में आप कर अच्छा कुछ कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस डायग्राम में एस एम को हम बोल रहे हैं सेमी मीडियन, सेमी मीडियन, जैसा वो था वैसे ही अर्ध माध्यिका। अच्छा कुछ बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ट्राइंगल और उन्होंने देखा कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज में लिया था जब ट्राइंगल पढ़ाया था, और ये क्या होता है? तीनों माध्यिकाओं को ऐड करो। अच्छा आज की क्लास तो इन्फॉर्मेशन है बस, ऐसा होता है, फॉर्मूले याद करने के लिए आज की क्लास है। अगर आपने अच्छा दिखाया और खासकर डेफिनेटली आई विल सी द व्यूज, व्यूज मुझे चाहिए, शेयर करो इसको, अच्छे व्यूज आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको पक्का बताऊंगा, ठीक है। और हो सका तो हम ऑल्टरनेट डे में मैं इसका मेंसुरेशन 2D का आपको करवा दूंगा। तो ये आपको पता है, अच्छा एक चीज़ आपको पता ही नहीं पता है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, चलो इसको अपन ऐसे करते हैं, ये तो हो गया थर्ड फॉर्मूला है ना, ये तो मैंने आपको थर्ड बता दिया, ये इट इज़ थर्ड फॉर्मूला, बहुत ही शानदार। और ये मैंने आपको बताया फोर्थ फॉर्मूला, ये आपको याद है, पर आपको ये पता ही नहीं पता है, ये फोर्थ फॉर्मूले का एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है? यदि कुछ ऐसा है कि दो मीडियन का स्क्वायर तीसरे मीडियन के स्क्वायर के बराबर है, आता है किसी को?
अगर कुछ मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका ट्रिपलेट रूप में हो, ट्रिपलेट रूप में मतलब तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर, अब पाँच बारह तेरह, पाँच का स्क्वायर बारह का स्क्वायर तेरह का स्क्वायर, तो ये देखो ये छोटा भाई है, बड़ा भाई कौन है इस चैप्टर का, ट्राइंगल, ट्राइंगल पता होगा तो ये आ जाएगा, तो ये ट्राइंगल मैं पढ़ा चुका हूँ, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो यू हैव टू गो फॉर दैट क्लास, आपको उस क्लास पे जाकर ट्राइंगल आपको पढ़ना है। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा वी एस टी दिया था, ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों माध्यिकाएं ट्रिपलेट रूप में हो, तो उस समय एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था टू बाई थ्री दोनों छोटी मीडियन का प्रोडक्ट। अब ये सब आपको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, बताओ मुझे चार फॉर्मूले, किसी को डाउट है, ये ट्राइंगल को एरिया निकालने के चार फॉर्मूले हो गए, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला देखें, बोर्ड पे देखो, नाउ सी ऑन द बोर्ड, पांचवा फॉर्मूला, ओके। कई बार क्या होता है कि ट्राइंगल में इन रेडियस पता होती है, अंतर त्रिज्या, अंतर त्रिज्या मतलब ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस, ठीक है। तो चलो मैं एक यहाँ पे एक सुंदर सा ट्राइंगल बना लेता हूँ आपके लिए, ये बहुत सुंदर सा ट्राइंगल है, ओके, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ओके, ट्राइंगल अपना गायब हो गया, वेरी गुड, मिल गया अपना ट्राइंगल, और इसको अपन फिल कर लेते हैं, थोड़े से अलग कलर में करते हैं इसको, ये लेते हैं, ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। और एक अपन बहुत ही सुंदर सा सर्किल ले लेते हैं, लाइन वेट को अपन बढ़ा देते हैं इसकी, और इसको अपन लाइन कलर कर देते हैं, येलो में ले लेते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनता है बच्चा, शानदार, जो भी ट्राइंगल है उसके अंदर जो सर्किल होता है उस सर्किल की रेडियस को बोलते हैं स्मॉल आर, इसको बोलते हैं अंतर त्रिज्या, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, दिस इज कॉल्ड इन रेडियस। अब मैंने आपको ये पढ़ाया है बच्चों ट्राइंगल में अंतर त्रिज्या, मैं फिर बता रहा हूँ आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, समझने वाली तो नेक्स्ट क्लास होगी। इन इन रेडियस क्या होती है, किसी ट्राइंगल के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं इन रेडियस, रहती है अंतर त्रिज्या। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पांचवा क्या है कि इफ इन रेडियस एंड सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आर गिवन, बहुत सिंपल है, वैसे बहुत से बच्चों को पता भी है, ठीक है। यदि अंतः त्रिज्या और अर्ध परिमाप ज्ञात हो, परिमाप ज्ञात हो, ठीक है बच्चों, आपको आता ही है, आता नहीं आता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है बच्चों, बताओ बताओ बताओ, आर इन टू एस, डायरेक्ट फॉर्मूला, अंतर त्रिज्या को सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गॉट द फॉर्मूला, बहुत ही फैंटास्टिक, ये पांचवा हमने किया हुआ था, ठीक है। अच्छा अब मैं यहीं पर आपका छठा भी लिख देता हूँ। अच्छा कई बार क्या होता है कि आपको, चलो एक सर्किल और बना लेते हैं अपन, अच्छा सा सुंदर सा एक सर्किल बना लेते हैं, एक सुंदर सा सर्किल लेते हैं, और इसको अपन लाइन कलर ले लेते हैं, इसका रेड कलर का सर्किल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सर्किल, इसके बाहर सर्किल है, तीनों साइड्स को टच करते हुए बनाया गया सर्किल है, ठीक है। अच्छा और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल, हर ट्राइंगल में इन सर्किल और एक्सटर्नल सर्किल बनाना पॉसिबल है, हर ट्राइंगल में आप इंटरनल सर्किल और एक्सटर्नल सर्किल बना सकते हो, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो बनेगा पक्का, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूं कि छोड़ो हमसे अभी नहीं बन रहा है, ट्राई एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर बन जाता है इसको खींच के, अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये मना कर रहा है तो चलो छोड़ देते हैं,
आपको पता है कि यार हमें अच्छा नहीं लगता, अगर अच्छा बन जाता तो बड़ा सुंदर हो जाता, इसकी साइड्स को टच कर जाता। चलो मान के चलें कि इसके बाहर टच कर रहा है, मान लोगे क्या बच्चों? मान लोगे आप, ठीक है। अच्छा ये जो सर्किल है इसको बाहर से टच कर रहा है, और इस सर्किल में इसका कुछ भी सेंटर रहा होगा नहीं पता, ये कहलाता है कैपिटल आर। कोई भी त्रिभुज के बाहर बनने वाले व्रत को बोलते हैं बाह्य व्रत, सरकम सर्किल। उसकी रेडियस को बोलते हैं क्या बच्चों? इस रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस, सर कम रेडियस। अच्छा ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अच्छा अब मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास डायग्राम बनाने के लिए अच्छा सा बोर्ड आ गया है ना, तो इसको हम और बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छठा पॉइंट कि यदि इफ ए बी एंड सी, ए बी सी एंड आर आर गिवन। अब ये तो याद ही करना है यार, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। अब ये सब फॉर्मूले हैं, और ये जो फॉर्मूले क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है ए बी सी तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन 4 into r। अब मेंसुरेशन 2D में आपको ये डायरेक्ट यूज में आएंगे, है ना। ये तो फॉर्मूला नंबर 5 देख लिया हमने, बिल्कुल मैं आपको इन सब का PDF दे दूंगा। और ये फॉर्मूला नंबर बच्चों हमने 6 दे दिया, ठीक है। तो ट्राइंगल निकालने के गजब गजब के फॉर्मूले है ना। ट्राइंगल निकालने का पहला फॉर्मूला, अगर आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल निकालने का पहला फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट सबको पता है। अब डिपेंड करता है कि आधार कौन सा ले रहे हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, जो भी आधार ले रहे हो उसके सामने वाले वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु से डाला गया परपेंडिकुलर उसकी ऊंचाई होगी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर ट्राइंगल में दो भुजा और उसके बीच का एंगल दे रखा है इंक्लूड एंगल, तो 1/2 दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट और बीच वाले एंगल का sin थीटा। दूसरा, तीसरा, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड दे रखी तो हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, वेरी गुड। चौथा फॉर्मूला, अगर तीनों मीडियन दे रखी है तब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, सेमी मीडियन निकालो, तीनों मीडियन का जोड़ डिवाइडेड बाई टू, 4/3 रूट एस एम इंटू एस एम माइनस एम ए, एस एम माइनस एम बी, एस एम माइनस एम सी, ये हो गया। अच्छा इसका स्पेशल केस, अगर तीनों मीडियन ट्रिपलेट रूप में, ट्रिपलेट रूप मतलब दो मीडियन का स्क्वायर का सम तीसरे मीडियन के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका आंसर होगा 2/3 दोनों छोटे मीडियन का प्रोडक्ट। वाओ, छठा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला शायद है ना, ओके ठीक है। ये सब फॉर्मूले थे, देखो ये हमने तीसरा चौथा, ये यहाँ से देखो, ये हमने पहला फॉर्मूला बताया, दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, और ये मीडियन वाला हीरोन्स फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला सीधा आर इंटू एस, छठा फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4r। मुझे बताओ प्लीज, इज देयर एनी डाउट? ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका सातवां फॉर्मूला, सातवां फॉर्मूला एक स्पेशल ट्राइंगल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ, बिल्कुल काम आएगा बच्चों सब चीज, आइसो सेलियस ट्राइंगल सम द्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो एक अपन ट्राइंगल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग द वन ट्राइंगल और दिस इज कॉल्ड द आइसोसेलिस ट्राइंगल, ये आपका आइसोसेलिस ट्राइंगल ले लेते हैं, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। इसको अपन ऐसे करते हैं, फिल कर लेते हैं, सुंदर सा कलर लेते हैं अपन, रेड कलर में फिल करते हैं। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अच्छा ये आइसोसेलिस ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल है ना, दिख रहा है सबको, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या है, सम द्विभाव त्रिभुज, सम द्विभाव त्रिभुज। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ओके इसका नाम लिख लेते हैं ए बी और सी,
ठीक है, इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं, इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ इसकी एक्स है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी क्या है बच्चों, इसकी एक्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसकी लेंथ आपको दे रखा होगा वाई। ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो दो भुजा बराबर होगी, आपका एक ही फंडा होना चाहिए मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, क्या फंडा होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल जब भी मिले आपको वो वाला बिंदु जो दो बराबर भुजा के बीच वाला वर्टेक्स है वहां से इस पर एक 90 डाल देना है, यहां से इस पर एक 90 डिग्री डाल देना है। और ये रूल होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल होता है कि जब भी आप यहां से इस पर 90 डालते हो तो ये यहां से लेके यहां तक आधा हो जाता है, y बाई टू, ये रूल होता है। दो बराबर भुजा के बीच वाला वर्टेक्स पॉइंट से जब सामने वाली भुजा, सामने वाले आधार पर 90 डालते हैं तो ये आधा आधा हो जाता है। अब ये y बाई टू हो गया, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये y बाई टू हो गया और ये x हो गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसकी ऊंचाई निकालोगे, आपको इसकी हाइट निकालना पड़ता है, ठीक है, दिख रहा है सबको, कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्म आएगा क्वेश्चन, तो आपको दो बराबर भुजा देगा, पक्का देगा, और ये वाली भुजा भी देगा पक्का। वैसे तो आप बोलोगे सर जब तीन भुजाएं पता है तो हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे, पर हीरोज फॉर्मूला से भी फास्ट मेथड क्या है, जब भी दो बराबर भुजा दें यहां से एक 90 मारो, और 90 मारते आधा था y बाई टू, y बाई टू, अब x और y बाई टू से h निकाल लो, तो h निकालने के लिए बस आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना है। अब आप बोलो सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, अरे बच्चों टाइम में नहीं लगेगा, ट्रिपलेट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ट्रिपलेट एक्स स्क्वायर माइनस y बाई टू, ये ट्रिपलेट के रूप में मिलता है, तो यहां से h आ जाएगा, और h आते ही इसका एरिया निकाल देना है ना, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 y इंटू एच, बस ये सातवां फॉर्मूला है, बहुत ही जबरदस्त। मुझे सबसे बताओ कल हो गया बच्चों, चलो ये सातवां फॉर्मूला आ गया, इसको अपन यहां रख देते हैं, ठीक है, मैं यहां पर आपका लास्ट फॉर्मूला लिखता हूं आठवां, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, चलो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड्स बराबर होती है। आई एम राइटिंग हियर, इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड भी ए होगी, तीसरी साइड भी ए होगी, और इसमें क्या होता है बच्चों, इसके तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो वैसे तो मैं इस पर टाइम खराब नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला आपको आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 a². पर एक और बात ध्यान रखो, आपको क्या क्या याद करना है, इसकी हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता है नहीं पता है, रूट 3/2 a, ये भी पता होना चाहिए आपको, इसकी इन रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, a/2√3, कैपिटल r का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भैया, a/√3। सो मैं ही चाहता हूँ कि बच्चों आप ये सब फॉर्मूले याद करो, सातवां फॉर्मूला मैं आपको है ना ये दे रहा हूँ, इसका है ना बोर्ड वर्क दे रहा हूँ, सातवां फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपके पूरा बोर्ड वर्क मैं डाल देता हूँ अपने राइट डायरेक्शन वाले चैनल पे, ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो तो ये आठों फॉर्मूले याद करेंगे, अगर ये आठों फॉर्मूले मैं लिख दूँ एक बार आपके लिए, चलो ये आठों फॉर्मूले अगर आपको पता है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना टाइट नंबर वन। तो ट्रायंगल आपका बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रायंगल होता है ना, और इस ट्रायंगल के आपको आठों फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा फॉर्मूला 1/2 ए बी और बीच वाले एंगल का साइन थीटा है ना, तीसरा फॉर्मूला रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी,
चौथा फॉर्मूला 4/3 रूट एस एम एस एम माइनस एम ए एस एम माइनस एम बी एस एम माइनस एम सी, ठीक है। और इसके स्पेशल केस 2/3 एम ए इंटू एम बी। पांचवा फॉर्मूला आर इंटू एस। छठा फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4R। सातवां फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल में फॉर्मूला नहीं है वो तो उससे आप करोगे। और आठवां फॉर्मूला इक्विलेटर ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो मेरे प्यारे बच्चों अब आप बताओ मजा है नहीं आया, मजा आया या नहीं आया, आप मुझे मैसेज में जरूर लिखकर बताओ, क्योंकि आपके मैसेज मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं, चाहे मैं उसका आंसर बहुत दिनों बाद देता हूँ रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप सब मुझे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जितना मैं आपको प्यार करता हूँ, ठीक है। तो हमारे इसमें निस्वार्थ रिलेशन है और ये राइट डायरेक्शन तो हमेशा निस्वार्थ रहेगा, कोई पैसा वैसा नहीं, निस्वार्थ रहेगा, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में आप मुझे ज़रूर कमेंट्स लिखें और मुझे बताएं कि आपको पसंद आया तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और पसंद नहीं आया तो इसको हम मानेंगे कि चलो ठीक है, मैंने एक क्लास में आपको सिर्फ फॉर्मूले सिखा दिए ट्रायंगल के एरिया के, ठीक है। क्योंकि मैंसुरेशन 2D थोड़ा सा मुश्किल होगा और मैं आपको मैंसुरेशन 2D पढ़ाऊंगा तो उसमें हर लेवल के क्वेश्चन लूंगा, इवन कैट के क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है। सो आज की क्लास इतना ही, ओके। सो आप मिलते रहें और धमाका करते रहें लाइफ में और जल्दी से सिलेक्शन दें और मुझे पार्टी दें, ठीक है। चलो आप मुझे बताएं, जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। बाय बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।